नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाठ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6J के शेष क्वेश्चंस को। इससे पहले पाठ में हमने पढ़े क्वेश्चन नंबर 5 तक, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ पे आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर ए और बी। इसमें चार क्वेश्चन हैं, अभी मैंने दो लिखे हैं, दो हम लिखेंगे बाद में। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक्स साइन 3x का समाकलन। देखिए, सबसे पहले आपको आई बराबर मानना होता है, तो आई हमने पहले से ही माना हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमको यहाँ पे फर्स्ट सेकंड छांटने हैं, यानी कि दो फलन है x और एक है साइन 3x। तो इसमें फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसका समाकलन ना हो उसको मान लेते हैं हम फर्स्ट, और बचे को सेकंड मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों के समाकलन हमको आते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस स्थिति में हमको क्या करना होगा, जो चीज़ घटेगी, ठीक है, जो फलन घटेगा अवकलन करने पर उसको फर्स्ट मानेंगे, दूसरे को मानेंगे सेकंड। तो x को तो मान लेंगे हम फर्स्ट, क्योंकि ये घटेगा अवकलन करने पर, इसको मान लेंगे सेकंड। आई जैसा वैसा ही रहेगा, पहला वाला जैसा है वैसा ही, दूसरे वाले का समाकलन यानी कि साइन का समाकलन करेंगे, 3x को मानेंगे x, और 3x को x तब मानेंगे हम जब x के गुणा में जो 3 है इसको रख देंगे 1 के बटे में। जो x के गुणा में 3 है ये रख दिया मैंने 1 के बटे में, तो अब मैं 3x को क्या मान सकता हूँ, x मान सकता हूँ, यानी कि साइन एक्स का हो जाएगा माइनस के कॉज एक्स, लिखेंगे भाई जो है, ठीक है, एक्स मानकर समाकलन किया हमने, माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, एक्स का अवकलन हो जाएगा एक, देखिए कम हो गया, साइन का समाकलन ये होगा 1/3 माइनस कॉज 3x dx, dx यानी कि इतने टोटल का समाकलन। माइनस को पहले लिख लेंगे, फिर 1/3 को उसके बाद लिखेंगे x को, x कॉज 3x माइनस यहाँ से 12 आ जाएगा, प्लस एक का गुणा इससे करेंगे ये आ जाएगा, या फिर आप समझ सकते हैं जो संख्या 1/3 जो संख्या है इसको रख लेंगे हम यहाँ से बाहर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर 1/3, अंदर रह जाएगा कॉज 3x dx माइनस 1/3x कॉज 3x प्लस 1/3। कॉज का समाकलन करना है, लेकिन कॉज x होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज 3x, तो 3x को मानेंगे x, और इसको 3x को x तब मानेंगे जब x के गुणा में जो 3 लिखा हुआ है इसको रख दें 1/3। तो ये 3 जो है उसको रख दिया मैंने 1/3, अब मैं 3x को x मान सकता हूँ, तो cos x का समाकलन हो जाएगा sin x यानी कि 3x प्लस c 1/3x cos 3x, इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 3 का गुणा 3 से करेंगे 9, sin 3x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसमें से कॉमन ले सकते हैं, या फिर जो प्लस का है इसको पहले लिख लेंगे, माइनस वाले को बाद में लिख देंगे, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ देंगे, तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे जितने का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमसे पूछा गया है एक्स साइन वर्स एक्स का समाकलन। इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला है, जो कॉज में हमें बदलना है उसको लिख लेंगे हम, कॉज 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, कॉज 2 थीटा जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1, ये कॉज इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के कॉज 2 थीटा, तो यहाँ से गुणा में से जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के 2 साइन थीटा बटे 2। जिस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉज 2 थीटा बटे 2, इसी प्रकार से साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉज 2x बटे 2 कोष्टक बंद dx, एक्स का गुणा अंदर हो जाएगा इसमें, एक्स गुणा 1 के साथ भी होगा यहाँ पे भी होगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स कॉज 2x बटे 2 कोष्टक बंद dx, 2 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, 2 आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 1/2 समाकलन कोष्टक एक्स माइनस एक्स कॉज 2x कोष्टक बंद dx, 1/2 यहीं पर रहेगा, समाकलन का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समाकलन x dx समाकलन x cos 2x dx कोष्टक बंद, 1/2 x का हो जाएगा समाकलन x²/2 माइनस, इसका हमें फर्स्ट सेकंड से करना होगा, x को मान लेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, तो पहला जैसा है वैसा ही, यहाँ पे भी कोष्टक लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, पहला जैसा है वैसा ही, दूसरे का समाकलन, तो कॉज का समाकलन हो जाएगा 1/2 साइन 2x माइनस
समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो कॉस 2x का समाकलन हो जाएगा 1/2 sin 2x, फिर टोटल का समाकलन, इसलिए यहाँ पर dx लिखना पड़ेगा। महिला कोष्टक पर बड़ा कोष्टक 1/2 x²/2 महिला कोष्टक, x का गुणा करेंगे x से तो ये हो जाएगा x/2 sin 2x माइनस 1 की गुणा करेंगे 1/2 से तो 1/2 ही रहेगा, ये कांस्टेंट तो आ जाएगा ये बाहर की तरफ, 1/2 समाकलन sin 2x dx महिला कोष्टक पर ये बड़ा कोष्टक 1/2 बड़ा कोष्टक x²/2 माइनस महिला कोष्टक x/2 sin 2x माइनस 1/2 sin 2x का समाकलन होगा, पहले तो जो x से गुणा में ये बटे में आ जाएगा 1/2, अब sin 2x को मान लेंगे x, तो sin 2x का हो जाएगा माइनस के cos 2x कोष्टक 1 प्लस सी 1/2, ये जैसा है वैसा ही x²/2 माइनस महिला कोष्टक x/2 sin 2x, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, माइनस का गुणा माइनस से हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस cos 2x महिला कोष्टक बड़ा कोष्टक प्लस से 1/2 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो पहले गुणा होगा इसका इसके साथ, उसके बाद यहाँ पर होगा, तो अंश का गुणा करना है अंश से, हर का गुणा करेंगे हर से, तो ये हो जाएगा x²/4 माइनस 1/2 महिला कोष्टक x/2 sin 2x प्लस 1/4 cos 2x महिला कोष्टक प्लस से x²/4 माइनस 1/2 का अंदर गुणा कर देंगे, तो अंश का गुणा अंश से करना है, हर का गुणा हर से करना है, तो 1 का गुणा x से करेंगे तो x, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 sin 2x, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे माइनस, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 और 2 का गुणा 4 से करेंगे 8 cos 2x प्लस सी, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी, जिसमें से पूछा गया है x tan²x का समाकलन। सर्वप्रथम इसमें हम क्या करेंगे, जो tan²x है इसको जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बना लेंगे, तो ये होता है sec²θ बराबर 1 + tan²θ, 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा sec²θ माइनस 1, इधर रह जाएगा tan²θ, तो tan²θ के स्थान पर हम रख लेंगे sec²θ माइनस के 1, जैसे ये है tan²θ बराबर इतना, तो उसी प्रकार से tan²x बराबर हो जाएगा sec²x माइनस के 1 dx, यहाँ पर ये थीटा में फॉर्मूला और जो सवाल है वो x के रूप में, तो tan²θ को हम लिख सकते हैं, ये tan²θ बराबर है sec²θ माइनस 1, इसी प्रकार से tan²x होगा sec²x माइनस के 1, x का अंदर गुणा कर देंगे और समाकलन का भी अंदर गुणा कर देंगे, इधर से dx का भी गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x sec²x dx, इतने का गुणा 1 के साथ भी करेंगे तो ये हो जाएगा एक समाकलन x dx, क्योंकि इसका गुणा जब 1 के साथ करेंगे तो यही आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, इसको मानेंगे फर्स्ट सेकंड, x को मानेंगे फर्स्ट और इतने को मानेंगे सेकंड, यहाँ पर x ये एक ही फलन है तो x का हो जाएगा x²/2, इसका हमें फर्स्ट सेकंड से करना है, तो पहला जैसा है वैसा ही रहेगा, sec²x का समाकलन हो जाएगा tan x माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो x का अवकलन हो जाएगा 1 और sec²x का समाकलन हो जाएगा tan x माइनस, फिर टोटल का समाकलन माइनस x का समाकलन हो जाएगा x²/2 प्लस सी एक्स tan x माइनस tan x का गुणा 1 से करेंगे tan x ही आएगा, tan x का समाकलन होगा log sec x माइनस, ये जैसा है वैसा ही x²/2 प्लस सी, tan x का समाकलन log sec x भी होता है और log माइनस के log cos x भी होता है, अगर cos रखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं, क्योंकि हमको पता है tan x का जो समाकलन होता है वो होता है एक तो log sec x प्लस सी, एक होता है माइनस के log cos x प्लस सी, दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमने यूज किया ये log sec x वाला, ठीक है, तो ये भी आंसर सही होगा और आप ये रख देंगे तब भी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी, जिसमें हमसे पूछा गया है x-3/x-1 की घात 3 इंटू e की घात x का समाकलन, तो इसमें हमें क्या करना होगा, जो x माइनस की 3 ये लिखा हुआ है इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे x-1 के रूप में, तो उसके लिए पहले बड़ा कोष्टक लगाना होगा, उसके बाद x जैसा है वैसा ही -3 को लिख देंगे, -1 और -2 इस प्रकार से तोड़ के लिख देंगे दो हिस्सों में,
बड़ा कोष्टक e की घात x बटे x माइनस वन की घात तीन डी एक्स। इतने को हम क्या करेंगे, x माइनस वन को इतने को एक कोष्टक में बंद कर देंगे और इतने को कर लेंगे अलग, तो ये हो जाएगा x माइनस वन कोष्टक माइनस के दो बड़ा कोष्टक x माइनस वन की घात तीन e की घात x डी एक्स। e की घात x का गुणा कर देंगे इसके अंदर, e की घात x का गुणा इस कोष्टक के साथ भी करेंगे, दो के साथ भी करेंगे, तो ये कोष्टक हट जाएगा। e की घात x से गुणा करनी है पहले कोष्टक के साथ, तो ये हो जाएगा x माइनस के वन e की घात x, e की घात x गुणा करेंगे दो के साथ, तो ये हो जाएगा दो e की घात x बटे x माइनस एक की घात तीन डी एक्स। एक्स माइनस एक की घात तीन ये इतने के बटे में भी है और इतने के बटे में भी, तो हम क्या करेंगे इसको दोनों के बटे में रख लेंगे अलग अलग। तो पहले लिखेंगे इसको इसके बटे में x माइनस वन e की घात x बटे x माइनस वन की घात तीन माइनस दो e की घात x बटे x माइनस वन की घात तीन कोष्टक डी एक्स। यहाँ पर कोई घात नहीं तो एक घात है, इस पर तीन घात है, तो तीन घात और एक घात ही कट जाएगी, यानी कि एक घात से तीन घात कट जाएगी एक बार, तो यहाँ पर दो घात बचेगी। समाकलन यहाँ बचेगा e की घात x बटे x माइनस वन की घात दो माइनस दो e की घात x बटे x माइनस वन की घात तीन कोष्टक बंद dx। समाकलन का इसमें अंदर गुणा कर देंगे, समाकलन e की घात x बटे x माइनस वन की घात दो, इधर से dx आ जाएगा, समाकलन दो e की घात x बटे x माइनस वन की घात तीन dx, x माइनस वन होल की घात तीन है ये। e की घात x इस प्रकार के सवाल में अब क्या करना होता है, जो बिल्कुल आपको सेम नज़र आ रहे हो, तो आपको एक का समाकलन करना है, यानी कि इसका समाकलन करेंगे और इसको हम रहने देंगे क्योंकि बाद में ये कटेगा। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो ये नीचे लिखा हुआ है ये यहाँ से जाएगा ऊपर की तरफ, यानी कि x माइनस वन को जो ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो घात है दो ये बदल जाएगी, यानी कि इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के दो डी एक्स। इसी प्रकार से इसको भी लिख लेंगे e की घात x x माइनस वन की घात माइनस तीन डी एक्स। इसका समाकलन करना है तो इसको मान लेंगे हम फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। इसको फर्स्ट इसलिए माना है क्योंकि जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो माइनस दो की बजाय यहाँ पर माइनस के तीन हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से बन जाएगा। तो पहला जैसा है वैसा ही दूसरे का अवकलन, यानी e की घात x का पहला जैसा है वैसे ही दूसरे का समाकलन, तो e की घात x का समाकलन आएगा e की घात x माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। तो x माइनस वन का हमें अवकलन करना है, पूरे को x मानेंगे, x की घात माइनस दो, इसमें क्या होगा माइनस दो नीचे आ जाएगा, इसमें से एक घात हो जाएगी कम, तो माइनस का दो है यहाँ पर, माइनस का एक और लिख देंगे। उसके बाद इस अंदर वाले का समाकलन अवकलन होगा, x का वन हो जाएगा, एक का हो जाएगा जीरो। तो x माइनस वन की घात माइनस दो का हमने अवकलन कर दिया, ये हुआ है इसका अवकलन, दूसरे वाले का समाकलन। तो e की घात x का समाकलन होगा e की घात x, फिर टोटल का समाकलन, उसके लिए dx लिख देंगे, माइनस दो e की घात x x माइनस वन की घात माइनस तीन डी एक्स, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, e की घात x x माइनस वन की घात माइनस दो, इसको पहले लिख लिया है, क्रम बदल दिया है दोनों का, माइनस यहाँ से आ गया जाएगा प्लस हो जाएगा, दो जैसा है वैसा ही, x माइनस एक की घात माइनस दो और माइनस ही हो जाएगा माइनस के तीन, एक में से जीरो घटाएंगे एक ही बचेगा, एक गुणा में लिखो या मत लिखो क्योंकि गुणा में ये बीच में है, सिर्फ e की घात x लिख देंगे हम, डी एक्स माइनस समाकलन दो e की घात x x माइनस वन की घात माइनस तीन डी एक्स। आप देख सकते हैं दोनों समान है इसलिए दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा e की घात x x माइनस वन की घात माइनस दो प्लस सी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो x माइनस वन की घात माइनस दो है ये बटे में जाएगा कोष्टक, तो इसकी घात हो जाएगी प्लस की e की घात x, ये कोष्टक जब बटे में जाएगा तो ये घात हो जाएगी प्लस की, यानी कि x माइनस वन की घात प्लस के दो प्लस सी, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सात, इसमें आपको तीन क्वेश्चन दे रखे हैं ए बी और सी, जो कि सीमा क्वेश्चन वो हमने लिखा नहीं, हमने दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर ए और बी। क्वेश्चन नंबर ए, इसमें हमसे पूछा गया है x की घात तीन टेन इनवर्स x का समाकलन, तो इसमें हमें समाकलन कैसे करना होगा, फर्स्ट सेकंड मानना है। सबसे पहले जो फर्स्ट सेकंड मानेंगे हम वो उस हिसाब से मानेंगे कि मान लो पहला जो नियम है वो उस हिसाब से है कि जैसे किसी का हमको समाकलन नहीं पता है तो उसको मानेंगे फर्स्ट, और जिसका हमको समाकलन पता है उसको मानेंगे हम सेकंड। तो टेन इनवर्स x का हमको समाकलन नहीं पता है इसको मान लेंगे हम फर्स्ट, और x क्यूब को मान लेंगे सेकंड।
पहला जैसा है वैसा ही रहेगा, दूसरे का समाकलन यानी कि x का समाकलन हो जाएगा x की घात 4/4 माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, टेन वर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा दूसरे का समाकलन यानी कि x की घात 3 का समाकलन होगा x की घात 4/4 टोटल का समाकलन, इसके लिए हम डी एक्स लिख देंगे, x की घात 4/4 इसको लिख देंगे पहले, x की घात 4/4 टेन इनवर्स x माइनस x की घात 4, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, 4 कांस्टेंट यहाँ से आ जाएगा बाहर की तरफ, नीचे रह जाएगा 1/1 प्लस x की घात 2, ये dx जैसा है वैसा ही, x की घात 4/4 टेन इनवर्स x माइनस 1/4 समाकलन, x की घात 4 इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और एक कर देंगे माइनस, यानी कि एक प्लस का और एक माइनस का, तो पहले मैं प्लस का लिख देता हूँ पीछे लिख देता हूँ माइनस को, यानी कि एक घटा दिया एक जोड़ दिया, नीचे वाला जैसा ही वैसा ही रहेगा, डी एक्स एक्स की घात 4/4 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 समाकलन का चिन्ह, इसको दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, एक तो ये हिस्सा हो गया इसका और एक हो गया एक, तो एक प्लस एक्स की घात 2 इसको इसके बटे में लिखेंगे और एक के बटे में लिखेंगे, 1 + x^2 प्लस 1 + x^2 सम कोष्टक बंद, डी एक्स समाकलन एक्स की घात 4 इसको मान लेंगे इस प्रकार से कि एक्स की घात 2 की घात 2, जैसे कोष्टक हटेगा तो 2 की गुणा 2 से होगी तो ये हो जाएगा एक्स की घात 4, एक जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं यानी कि एक्स को पहले एक को बाद में, ठीक है, या फिर ऐसे ही लिखे रहने देंगे, प्लस 1/1 + x^2 कोष्टक बंद डी एक्स, यहाँ पर बनेगा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला होता है a माइनस बी दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो इसके अनुसार इसको हम तोड़ लेंगे, इसको a मान लेंगे x² को मनी वन में और एक को मान लेंगे b, तो एक को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, चूंकि 1 का स्क्वायर करूँगा एक ही आ जाएगा, एक्स की घात 4/4 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 समाकलन, ये a मान लेंगे a² - b² तो हो जाएगा a माइनस बी दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, ये बटे का जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस 1/1 + x² कोष्टक बंद डी एक्स, देखिए ये दोनों समान है, इसमें x^2 पहले लिखा हुआ है, इसमें बाद में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इनको आगे पीछे लिख सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे कट जाएगा, एक्स की घात 4/4 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 समाकलन, यहाँ पर बचेगा एक्स की घात 2 माइनस के 1 प्लस 1/1 + x² कोष्टक बंद डी एक्स, समाकलन का अंतर्गुणा हो जाएगा एक्स की घात 4/4 इंटू टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस 1/4 समाकलन, दोनों की साथ में गुणा कर देंगे तो माइनस 1/4 समाकलन x² - 1 इधर से dx आ जाएगा, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे माइनस 1/4 समाकलन 1/1 + x^2 dx, x की घात 4/4 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 एक्स की घात 2 और 1, ठीक है, दोनों का समाकलन होगा तो एक्स की घात 2 का हो जाएगा एक्स की घात 3/3 माइनस 1 का हो जाएगा x माइनस 1/4 1/1 + x² इसका समाकलन होगा टेन इनवर्स x, ये क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला है प्लस सी, इसको या तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं यहीं पर या फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आप यहीं पर छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर बी जिसमें हमसे पूछा गया है लॉग एक्स बटे 1 + x^2 का समाकलन, तो इसमें क्या करेंगे, ये कोष्टक है जिस पर 2 घात लिखी हुई है, इसको ले जाएंगे ऊपर की तरफ, जब 1 + x^2 जब कोष्टक ऊपर जाएगा तो इसकी घात हो जाएगी माइनस के 2, लॉग एक्स जैसा है वैसा ही, तो लॉग एक्स का हमको समाकलन नहीं पता है इसलिए इसको मान लेंगे फर्स्ट और जो बचा हुआ है इसको मान लेंगे सेकेंड, तो पहला जैसा है वैसा ही रहेगा, दूसरे का समाकलन तो 1 + x^-2, तो इसका समान किस प्रकार से करना है, देखिए इसको मैं पूरे को मान सकता हूँ x, पूरे को x मान सकते हैं क्योंकि x पे ना तो कोई घात है और ना ही कोई x के गुणा में है कुछ भी,
ठीक है, प्लस का वन यहाँ पे लिखा हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का वन लिखा हुआ है कुछ और संख्या लिखी होती है उससे में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे पूरे को एक्स मान सकता हूँ, तो समझो कि ये एक्स की घात लिखी हुई है माइनस की दो, तो किस प्रकार से होगा, एक्स की घात माइनस दो लिखी तो इसमें एक घात जुड़ जाएगी यानी कि घात प्लस लिख देंगे, जो घात यहां पर लिखेंगे वही घात लिखेंगे बटे में जो मैंने लिख दिया है, तो इसका समाकलन हो गया माइनस, अब पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो लॉग एक्स का समाकलन अवकलन हो जाएगा एक बटे एक्स, और एक प्लस एक्स की घात माइनस दो इसका समाकलन हो जाएगा यही जो अभी हमने किया है, गुणा एक प्लस एक्स की घात माइनस दो प्लस वन बटे माइनस दो प्लस वन, इतने टोटल का समाकलन यानी कि डी एक्स लॉग एक्स गुणा एक प्लस एक्स माइनस दो प्लस एक तो माइनस के एक हो जाएगा, ये माइनस दो प्लस एक तो माइनस के एक हो जाएगा, माइनस एक बटे एक्स गुणा एक प्लस एक्स, देखिए माइनस दो प्लस एक तो बचेगा यहाँ पे माइनस एक, माइनस दो और प्लस एक तो यहाँ पे भी माइनस एक बचेगा, इसको हम पहले लिख देंगे, पहले यानी कि इसको पहले लॉग एक्स को बाद में, तो ये लिख जाएगा कुछ इस प्रकार से एक्स की घात माइनस एक बटे माइनस इन टू लॉग एक्स माइनस, ये माइनस यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस एक बटे एक्स कोष्टक में एक प्लस एक्स की घात माइनस एक माइनस एक्स डी एक्स गुणा, तो माइनस के चिन्ह को यहाँ से लिख देंगे ऊपर की तरफ इस प्रकार से, यहाँ पर यहीं पर रहने देंगे, अभी ये कोष्टक जब नीचे आएगा तो इसकी घात हो जाएगी प्लस की, ये कोष्टक यहाँ से नीचे आएगा एक के गुणा में तो इसकी घात हो जाएगी प्लस की, यानी कि प्लस का एक लिखो या मत लिखो, प्लस समाकलन इसी प्रकार से यहाँ पर होगा, ये एक्स तो यहाँ पर है ही है एक बटे एक्स, ये वन प्लस एक्स की घात माइनस है, ये कोष्टक नीचे आएगा तो इसकी घात हो जाएगी प्लस की, प्लस का एक तो प्लस का एक लिखो या मत लिखो, माइनस को यहाँ के बजाय ऊपर भी लिख सकते हैं हम, माइनस एक बटे एक प्लस एक्स की घात एक, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है यहीं पर छोड़ देंगे, लॉग एक्स प्लस समाकलन एक बटे एक्स एक प्लस एक्स, एक लिखने की जरूरत नहीं है डी एक्स, तो एक बटे एक्स प्लस एक्स कोष्टक में एक प्लस एक्स, तो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका तो इसको करने का ये है कि इसको हम आंशिक भिन्न से सॉल्व कर सकते हैं जो कि हमने अभी पढ़ी नहीं है, ठीक है मैंने आपको पढ़ाई नहीं है अभी, तो दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा बिना आंशिक भिन्न के किए, ठीक है तो ऊपर जैसे यहाँ पर नीचे जो कंडीशन बन रही है उस हिसाब से ऊपर भी एक कंडीशन बनानी है, ठीक है मतलब कैसे भी करके इस भिन्न को दो हिस्सों में तोड़ना है आपको, ठीक है बिना आंशिक भिन्न का यूज किए, बिना ज्यादा डिटेल में लिखे इनको, तो एक बटे एक प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस, तो देखिए उसके लिए मैं क्या करना होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस प्रकार से, एक बटे एक्स माइनस एक बटे एक प्लस एक्स, इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा बिल्कुल, देखिए इसका गुणा इससे करेंगे तो एक प्लस एक्स माइनस का चिन्ह एक्स का गुणा एक से करेंगे तो एक्स बटे में, ये जैसा है वैसे ही इनको दोनों को लिखना होगा, भिन्न को सॉल्व करते हैं दोनों जो हरे उनको लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा एक से करेंगे इतना आ जाएगा, माइनस का चिन्ह एक्स का गुणा एक से करेंगे इतना आ जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा तो देखिए यही बचेगा नहीं बचेगा, एक बटे एक्स एक प्लस एक्स, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्योंकि सॉल्व करने पर यही प्राप्त हो जाएगा हमें, तो मैंने दो हिस्सों में तोड़ लिया है, माइनस एक बटे एक प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस एक बटे एक्स का समाकलन हो जाएगा लॉग एक्स, या फिर समाकलन के अंदर गुणा कर लो तब गुणा कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट समझ लो कि इसका समाकलन भी करना है इसका भी करना है, तो एक बटे एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स माइनस एक बटे एक प्लस एक्स, ठीक है तो इसको ये यहाँ पे एक लिखा हुआ है तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, एक प्लस एक्स को मान सकते हैं टोटल को एक्स, तो एक बटे एक प्लस एक्स तो इसको मैं टोटल को x मान सकता हूँ, तो एक बटे एक्स इसका हो जाएगा log x इसी के तरह बिल्कुल मॉड में एक प्लस एक्स प्लस के c, यही आपका होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का c, इसमें हमसे पूछा गया है साइन इनवर्स x की घात 2, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको यहाँ पे एक ही फलन दे रखा है तो दूसरा फलन में क्या मानना है, दूसरा फलन मानने के लिए क्या करेंगे हम गुणा में मान लेंगे एक, तो ये जो एक है ये तो हो जाएगा फर्स्ट
और ये सेकंड हो जाएगा और ये हो जाएगा फर्स्ट। जिसका समाकलन नहीं आता है उसे मानेंगे फर्स्ट, और जिसका समाकलन आता है उसे मानेंगे हम सेकंड। तो इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसे मान लेंगे सेकंड। अब इसमें फर्स्ट सेकंड का नियम लगा देंगे, पहला जैसा है वैसा ही, इसमें कुछ नहीं करना है, गुणा दूसरे वाले का समाकलन, यानी कि एक का समाकलन हो जाएगा एक्स, माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। तो हम साइन इनवर्स एक्स की घात दो का करेंगे अवकलन, तो पहले करेंगे घात का अवकलन, घात नीचे आ जाएगी, इसमें से घात हो जाएगी कम, कम हो जाएगी मतलब एक घात रह जाएगी, दो में से कम करेंगे तो एक, तो एक लिखो या मत लिखो, पूरे को हमने मान के किया है एक्स, एक्स की घात दो, तो ये हो गया दो एक्स, पर ये एक्स है नहीं, एक्स हमने माना हुआ है, इसलिए इसका अवकलन दोबारा करेंगे, जिसे हम मानेंगे एक्स उसका अवकलन दोबारा करते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा एक बटे रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर गुणा। तो देखिए दूसरे पहले वाले का अवकलन कर दिया हमने, ये अवकलन हो गया, तो पहले वाले का अवकलन दूसरे वाले का समाकलन, तो एक का समाकलन हो जाएगा एक्स, और अब करना है इतना टोटल का समाकलन जो भी यहाँ पे है, तो समाकलन जिन पहले लगा दिया, सिर्फ हमें लिखना है यहाँ पर डी एक्स बराबर, एक्स को लिख लेंगे पहले एक्स साइन इनवर्स एक्स की घात दो माइनस यहाँ पे दो, इसको यहाँ पे लिख देंगे एक के मतलब साथ में लिख देंगे एक्स को और दो को, तो इसमें हमें क्या करना होगा, दो को लिखेंगे पीछे, यानी कि साइन इनवर्स एक्स दो को यहाँ के बजाय यहाँ लिख देंगे एक के गुणा में, चूंकि ये सभी गुणा में ही है, तो दो को लिख देंगे एक के गुणा में, तो ये हो जाएगा दो बटे रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को इसके साथ ही रख देंगे यहाँ पर डी एक्स, क्योंकि सभी ये गुणा में, तो दो और ये एक्स को रख दिया साथ में यहाँ पर, दो की गुणा एक से करेंगे दो और एक्स को इसके साथ रख देंगे, चूंकि एक्स की गुणा यहीं पर होनी है। ये हमने किस लिए रखा है, ये इसलिए रखा है क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बराबर मानेंगे हम टी, जब इस बराबर टी मानेंगे तो ये जो है ये आ जाएगा अपने आप डी टी में, इतना इतना ये डी टी में आ जाएगा। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा एक बटे रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर, और टी का अवकलन हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, डी एक्स आ जाएगा भाग में से गुणा में, तो ये हो जाएगा एक बटे रूट एक माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स बटे रूट एक माइनस एक्स स्क्वायर, तो इतने के स्थान पर ये इतना तो नहीं आया लेकिन इतना आ गया, डी एक्स बटे रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इतने के स्थान पर रख देंगे डी टी, और साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर रख देंगे टी। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि एक्स के स्थान पर क्या रखें, देखिए x का मान यहाँ से बना लेंगे, जब साइन इनवर्स इधर से हटेगा तो यहाँ पर रह जाएगा x, और ये साइन इनवर्स इधर से हटेगा तो t की तरफ जाएगा, तो ये इनवर्स नहीं रहेगा, साइन इनवर्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन t, यहाँ पहले से ही है, तो x बराबर हो गया साइन t, साइन इनवर्स इधर से हटके t की तरफ चला गया, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, तो x बराबर हो गया साइन t, तो x के स्थान पर रख देंगे साइन t, तो यहाँ पर रखते हैं अभी इसको, ये पहले वाला ये तो जैसा वैसा ही रहेगा, ये x साइन इनवर्स x की घात दो माइनस समाकलन साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर रख देंगे टी गुणा दो एक्स के स्थान पर रख देंगे साइन टी, इतने के स्थान पर रख देंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान लो, ठीक है, या फिर बटे में कुछ मानने की जरूरत है नहीं क्योंकि बटे में एक तो सबके होता ही है, डी एक्स बटे रूट एक माइनस एक्स का इतने के स्थान पर क्या रखना है, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बिल्कुल समान है, तो इतने बराबर क्या रखना है डी टी रखना है, तो यहाँ पर डी टी रख देंगे गुणा में, x साइन वर्स x की घात दो माइनस दो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा t और ये साइन t डी टी। अब यहाँ पे दोबारा से हैं फर्स्ट सेकंड मानने, तो देखिए जिसका समाकलन ना पता उसे मानते हैं हम फर्स्ट, बचे हुए को मान लेते हैं सेकंड, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों के समाकलन पता है, यानी कि t का भी समाकलन है और साइन t का भी है, तो यहाँ पे हमें किस प्रकार से मानने होंगे, हमें मानने उसके अनुसार जिससे के अवकलन करने पर जो कम हो, इन दोनों फलनों में से जो अवकलन करने पे कम होगा उसको मानेंगे हम फर्स्ट, तो टी यहाँ पे अवकलन करने पे कम होगा, कम मतलब टी का अवकलन करेंगे तो वो एक हो जाएगा, डी खत्म हो जाएगा, तो ये मान लिया हमने फर्स्ट और ये मान लिया सेकंड। एक्स साइन इनवर्स एक्स इसकी घात दो है, ये जैसा है वैसे लिख लेंगे दो, कोष्टक लगा लेंगे क्योंकि ये चीज अभी दो पदों में खुलेगी, ठीक है, माइनस दो यहाँ पे बाहर रहेगा, कोष्टक लगा लिया है फर्स्ट सेकंड, तो जो पहला है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, दूसरे वाले का समाकलन साइन टी का समाकलन हो जाएगा माइनस के कॉस टी, माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो टी का अवकलन हो जाएगा एक
और साइन टी का समाकलन हो जाएगा माइनस के कॉज टी, इतने टोटल का समाकलन, यानी कि यहाँ पे लिखना है डी टी, चूंकि हम टी के सापेक्ष कर रहे हैं। कोष्टक बंद। एक्स साइन वर्स एक्स की घात दो माइनस दो, कोष्टक माइनस को पहले लिख लेंगे टी कॉज टी माइनस, माइनस यहाँ से आ जाएगा ये प्लस हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा कॉज टी डी टी, कोष्टक बंद। एक्स साइन वर्स एक्स की घात दो माइनस के दो, कोष्टक माइनस टी कॉज टी, कॉज टी का समाकलन होगा साइन टी, कोष्टक बंद, प्लस सी, सी यानी कि स्वेच्छाचर्य कॉन्स्टेंट हमने जोड़ दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस दो से इसमें अंदर गुणा कर देनी है और टी का मान रख देना, टी का कॉज टी का मान रख देंगे। तो पहले जो है उसे लिख लेते हैं एक्स साइन वर्स एक्स की घात दो, ये जैसा है वैसा ही, माइनस दो से अंदर गुणा करेंगे, माइनस गुणा माइनस से होगी तो ये हो जाएगा प्लस दो टी कॉज टी, माइनस ही गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस दो साइन टी प्लस सी। तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स एक्स बराबर तो रख देंगे टी, सॉरी ये तो हमने माना ही रखा ही है, एक्स बराबर तो रख देंगे साइन टी और टी के स्थान पर रख देंगे साइन इनवर्स एक्स, टी के स्थान पर रख देना साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि मुझे एक्स के पद में वापस करना है, टी में लिखा हुआ है यहाँ पर और सवाल हमारा एक्स में, तो टी की वैल्यू में किसमें वापस करनी है, एक्स के रूप में, तो टी बराबर रख देंगे साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर और साइन टी के स्थान पर रख देंगे एक्स यहाँ पर। बात ये आती है यहाँ पे कॉस टी के स्थान पर क्या रखना है, तो देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले के अनुसार हम इसे बना लेंगे। तो फॉर्मूला होता है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉज स्क्वायर थीटा बराबर वन। इसमें क्या होगा, ये कॉस टी का फॉर्मूला बनाना है हमें, तो साइन इधर चला जाएगा, सिर्फ इधर रह जाएगा कॉज, कॉज स्क्वायर थीटा, साइन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, यहाँ से स्क्वायर है इस पर तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस पर बन जाएगा रूट रूट वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉज थीटा बराबर है वन रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार से कॉज टी बराबर क्या होगा, तो कॉज टी बराबर होगा रूट वन माइनस के साइन स्क्वायर टी, ये थीटा में तो थीटा यहाँ पे, ठीक है टी में होगा तो इस प्रकार से होगा। तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स साइन वर्स एक्स की घात दो प्लस दो टी के स्थान पर रख देंगे साइन इनवर्स एक्स और कॉज टी के स्थान पर रख देंगे रूट वन माइनस के साइन स्क्वायर टी माइनस टू साइन टी, अभी ये जैसा है वैसा ही है, अब वैल्यू रखेंगे एक्स साइन वर्स एक्स की घात दो प्लस दो साइन इनवर्स एक्स कोष्टक वन माइनस साइन टी के स्थान पर रखना है हमें एक्स, साइन टी के स्थान पर रखना है एक्स, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, साइन टी के स्थान पे एक्स रखा है स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस दो जैसा है वैसा ही साइन टी के स्थान पर रख देंगे एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर इसमें से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से दो कॉमन ले सकते हैं, या फिर आप यहीं पर छोड़ देंगे तो यहीं पर आपको इतने पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ये पूरा करेक्ट है बिल्कुल। क्वेश्चन आठ, जिसमें हमसे पूछा गया है एक्स की घात दो बटे एक्स साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स की घात दो का समाकलन, तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें एक ट्रिक है आपको, इसमें कॉज एक्स से ऊपर नीचे यहाँ पर गुणा करनी है, कॉज एक्स से गुणा करनी है अंश में और कॉज एक्स से गुणा करनी है हर में, उसके बाद ये सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे आप दो तरह से, जैसे कि एक्स गुणा एक्स, ठीक है इस प्रकार से लिख लेंगे, दो हिस्सों में लिख लेंगे तोड़ के गुणा में, एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे एक्स गुणा एक्स, ये जैसा है वैसे ही उतार लेंगे इसको, साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स की घात दो, यहाँ पर ऊपर गुणा करेंगे कॉज एक्स से और कॉज एक्स से देंगे नीचे भाग, क्योंकि नियम है हम गुणा कर रहे हैं तो हमको भाग भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम कॉज एक्स से गुणा कर रहे हैं, नीचे कॉज एक्स से देंगे भाग, ये डी एक्स जैसा है वैसा ही रहेगा, इधर ही चल ही रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये तो हो गया सेकेंड और एक्स बटे कॉज एक्स को मान लेंगे हम फर्स्ट, ध्यान समझिए, इतने को मान लेंगे फर्स्ट और इतने को मान लेंगे सेकंड, तो ये पहला जैसा है वैसा ही रहेगा, क्यों फर्स्ट से कर रहे हैं, एक्स बटे कॉज एक्स ये जैसा है वैसा ही, दूसरे वाले का समाकलन यानी कि इतने का समाकलन करते, तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और इसको लिख देंगे एक्स कॉज एक्स बटे एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स की घात दो माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन,
तो ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसलिए यहाँ पे मैंने बड़ा कोष्टक लगा दिया है, क्योंकि अभी दो हिस्सों में टूटेगा और अलग अलग ये समाकलन करना है अभी। तो पहले का अवकलन, तो अवकलन के लिए लिखेंगे हम डी बटे डी एक्स, और अवकलन किसका करना है, एक्स बटे कॉज एक्स, एक्स बटे कॉज एक्स का करना है, तो इसे लिख देंगे एक्स बटे कॉज एक्स गुणा पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। तो समान का चिन्ह लगाएंगे, एक्स कॉज एक्स बटे एक्स साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स की घात दो और डी एक्स, और टोटल का समाकलन यानी समान का चिन्ह इस सबके बाहर लगा हुआ है, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर इतने टोटल का जो भी आएगा उसका पूरे का समाकलन। तो समान का चिन्ह पहले लगा दिया है, सिर्फ आपको यहाँ पे बाहर लिखना है डी एक्स, जो भी आएगा उसका एक बार फिर से समाकलन करना होगा हमें। तो देखिए इसका समाकलन होगा कैसे, क्योंकि कोई छोटा नंबर तो यानी कोई छोटा फलन तो यानी कि डायरेक्ट समाकलन कर देंगे, सीधा फॉर्मूला पता है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे एक्स साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स को मान लेंगे हम टी। माना एक्स साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स जैसे ये दो हैं फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड का नियम लगेगा, पहला जैसा है वैसे दूसरे का अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉज एक्स, प्लस साइन एक्स जैसा है वैसा ही एक्स का अवकलन, एक्स का हो जाएगा एक क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, और प्लस कॉज एक्स, तो कॉज एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स बराबर टी का हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स, दोनों जगह बिल्कुल समान है ठीक है, तो ये एक ही प्रकार से होंगे, एक्स कॉज एक्स प्लस एक की गुणा ऐसे करेंगे ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस के साइन एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स, ये प्लस का है माइनस का है दोनों समान है कट जाएंगे, यहाँ बचेगा एक्स कॉज एक्स और बराबर में बचेगा डी टी बटे डी एक्स, डी एक्स आ जाएगा भाग में से गुणा में, तो ये हो जाएगा एक्स कॉज एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो हमें क्या करना है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इतने बराबर तो रख देंगे टी, और एक्स कॉज एक्स डी एक्स इतने बराबर रख देंगे डी टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स कॉज एक्स डी एक्स, डी एक्स यहाँ लिखना भूल गए हम, यहाँ पे डी एक्स लिख देते हैं, चाहे यहाँ पे लिख दो चाहे यहाँ पे लिख दो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो एक्स कॉज एक्स और डी एक्स इतने की जगह पर तो रख देंगे हम टी टी, और इतने के स्थान पर रख देंगे टी। तो चलिए इसको लिखते हैं बराबर एक्स कॉज एक्स गुणा समाकलन का चिन्ह, इतने के स्थान पर रख देंगे हम टी, और इतने के स्थान पर रख देंगे सॉरी इतने के स्थान पर रख देंगे डी टी, और इतने के स्थान पर रख देंगे टी, ऊपर दो घात है तो दो घात, माइनस समाकलन का चिन्ह कोष्टक डी बटे डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं गुणा में एक मान लेंगे, एक बटे कॉज होगा सेक, एक्स तो है ही है, तो एक बटे कॉज ये हो जाएगा सेक, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक एक्स, यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड से समाकलन अवकलन करेंगे, एक्स फर्स्ट है और सेक एक्स हो जाएगा सेकंड, कुछ नहीं है तो गुणा में एक मान सकते हैं, यहाँ पर एक बटे कॉज हो जाएगा सेक, ये एक्स जैसा है वैसा ही, गुणा का चिन्ह समाकलन एक्स कॉज एक्स डी एक्स इतने के बराबर रख देंगे हम डी टी, जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे करना है डी टी, और एक्स साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स के स्थान पर रख देंगे टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोष्टक बंद बाहर लिख देंगे डी एक्स, एक्स बटे कॉज एक्स गुणा समाकलन, तो टी यहाँ पे बटे में तो टी जाएगा ऊपर, तो टी की घात हो जाएगी माइनस की डी टी, समाकलन का चिन्ह इसे फर्स्ट सेकंड सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, अवकलन में जो होता है वो फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी फर्स्ट मानो किसी को भी सेकंड मान लो, पहला जैसा वैसे ही दूसरे का करेंगे अवकलन, सेक एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस, अब दूसरा जैसा है वैसा ही यानी कि सेक एक्स जैसा वैसे ही पहले का अवकलन एक्स का हो जाएगा वन गुणा समाकलन का चिन्ह टी, यहाँ से ऊपर चला जाएगा टी की घात माइनस के दो डी टी, कोष्टक बंद डी एक्स, एक्स बटे कॉज एक्स गुणा टी की घात माइनस दो का समाकलन करना है, एक्स की घात देने वाले फॉर्मूले से, तो इसमें क्या होगा माइनस के दो है तो इसमें एक घात जोड़ देंगे हम और वही घात लिखेंगे बटे में, माइनस का चिन्ह समाकलन एक्स सेक एक्स, इसमें क्या करना है सेक एक्स यहाँ से आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पर बचेगा एक्स सेक एक्स कॉमन आएगा बस, तो यहाँ बचेगा एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स बाहर चला गया तो यहाँ बच गया सिर्फ वन, इतने में से कॉमन ले लेना है इतने में से, गुणा का चिन्ह
समाकलन समाकलन हो रहा है यहाँ पर टी की घात माइनस के दो, तो जैसे मैंने ये किया वैसे ये करना है, माइनस के दो है तो इसमें एक घात जोड़ देंगे और वही घात जो यहाँ पे लिखी हमने घात माइनस दो प्लस वन वही लिखनी है हमें बटे में माइनस दो प्लस के वन, क्योंकि ये हमने किया है एक्स की घात एन वाले फॉर्मूले से, तो एक्स की घात एन वाले फॉर्मूले से होता है एक्स की घात एन प्लस वन बटे एन प्लस वन कोष्ठक बंद डी एक्स, एक्स बटे कॉज एक्स गुणा माइनस के दो प्लस एक, तो ये बचेगा माइनस के एक, ऐसे यहाँ पर माइनस का एक माइनस समाकलन का चिन्ह कोष्ठक सेक एक्स को लिख देंगे हम वन बटे कॉज एक्स, टेन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा साइन कॉज में साइन एक्स बटे कॉज एक्स प्लस के वन कोष्ठक बंद, टी की घात माइनस दो प्लस एक है तो माइनस के घात बचेगी, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस का एक कोष्ठक बंद डी एक्स, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, तो पहले से लिख लेते हैं एक्स बटे कॉज एक्स माइनस के एक बटे माइनस एक माइनस समाकलन का चिन्ह कोष्ठक एक बटे कॉज एक्स कोष्ठक एक्स साइन एक्स बटे कॉज एक्स प्लस वन कोष्ठक बंद गुणा टी की घात माइनस एक बटे माइनस वन कोष्ठक बंद डी एक्स, तो जो यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिख लिया है, एक्स बटे कॉज एक्स टी की घात माइनस एक, टी जब बटे में जाएगा यानी कि टी यहाँ से एक के गुणा में आएगा तो ये घात हो जाएगी प्लस की एक, ठीक है प्लस की एक घात लिखो या मत लिखो इसलिए हम इसे हटा देंगे, माइनस समाकलन का चिन्ह एक बटे कॉज एक्स, इसमें क्या करना होगा कॉज एक्स की गुणा करेंगे एक से कॉज एक्स सबके बटे में क्योंकि भिन्न भिन्न की तरह सॉल्व करना है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स बटे कॉज एक्स गुणा इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे किया है वैसे टी यहाँ से नीचे आएगा तो टी गुणा एक से होगी तो ये हो जाएगा टी की घात प्लस की एक, और प्लस एक घात लिखो या मत लिखो ठीक है एक घात लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि एक घात तो सब पे होती है जो कि छपी हुई होती है, डी एक्स एक्स बटे कॉज एक्स गुणा ये माइनस यहाँ से आगे आ जाएगा ठीक है ये गुणा में अंश की गुणा अंश से हर के गुणा हर से तो माइनस आ जाएगा यहाँ से आगे ठीक है यहाँ के बजाय इसको रख लेंगे यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं और एक का गुणा ऐसे करेंगे या फिर इनको गुणा कर लेते हैं सीधी, एक का गुणा एक से करेंगे एक्स और कॉज एक्स का गुणा करेंगे माइनस के टी से तो ये हो जाएगा माइनस के कॉज एक्स गुणा टी, एक बात ध्यान रखनी जो टी है वो एक्स के गुणा में नहीं है टी है टी जो एक है वो कॉज एक्स के गुणा में ठीक है कॉज एक्स के में टी का मान रखेंगे अभी हम, माइनस समाकलन ये कॉज एक्स इधर से इधर आ जाएगा यानी कि इन दोनों की गुणा हो जाएगी अंश की गुणा अंश से हर की गुणा हर से यानी कि एक की गुणा ऐसे होगी अंश वाले से ऊपर वाले से और कॉज एक्स गुणा होगी कॉज से, तो एक की गुणा ऐसे करेंगे ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स और एक्स कॉज एक्स की गुणा कॉज एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स गुणा एक बटे माइनस के टी कोष्ठक बंद डी एक्स, नहीं तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे टी की, अभी वैल्यू रख ही लेते हैं ठीक है यहाँ पे बाद में रख देंगे फिलहाल यहाँ पे रख लेते हैं, जो टी का मान है हमने माना था एक्स साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स बराबर टी, तो टी के स्थान पे हमें यही रखना होगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक डी एक्स, आप देख सकते हैं दोनों समान है तो इसलिए दोनों ये कट जाएंगे, यहाँ बचेगा एक्स माइनस कॉज एक्स टी का मान वापस लौटा देंगे टी का मान है एक्स साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स माइनस समाकलन का चिन्ह, यहाँ पे ऊपर एक बच गया बटे में बच गया कॉज स्क्वायर एक्स और माइनस, देखिए ऊपर का ये एक लिख लेंगे माइनस को लिख लेंगे पहले फिर लिखेंगे कॉज को कॉज स्क्वायर एक्स कोष्टक को हटा देंगे इसको ठीक है डी एक्स लिख देंगे क्योंकि सिर्फ ये एक ही चीज रहेगी और कुछ रहा नहीं है, माइनस यहां से आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा एक्स सॉरी एक्स नहीं यहां पर नीचे माइनस के इसको माइनस को यहां पर ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं उससे, माइनस कॉज एक्स एक्स साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स कोष्टक बंद माइनस की गुणा माइनस होगी प्लस समाकलन एक बटे कॉज होता है सेक तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस को यहाँ के बजाय ऊपर लिख लेंगे माइनस के एक्स बटे कॉज एक्स एक्स साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स कोष्टक बंद प्लस
साइक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमसे पूछा गया है एक्स लॉग ई एक्स की घात 2 का समाकलन। तो देखिए यहाँ पे दो फलन है जो कि हमको दिख रहे हैं और फर्स्ट सेकंड कैसे मानने हैं, जिसका समाकलन नहीं पता है उसको मानेंगे फर्स्ट और जिसका समाकलन पता है उसको मानेंगे सेकंड। तो लॉग एक्स का हमको समाकलन नहीं पता है इसलिए इसको मान लेंगे फर्स्ट और एक्स को मान लेंगे जो बच गया है, ठीक है ये फर्स्ट मान लिया तो जो बचा हुआ वही आपका सेकंड हो जाएगा, यानी एक्स को बोल देंगे सेकंड। फॉर्मूला कैसे लगाना है, पहला जैसा है वैसा ही, ठीक है इस प्रकार फॉर्मूला होता है, पहला फलन जैसा है वैसा ही दूसरे का समाकलन, पहला यानी कि लॉग एक्स की घात 2, ठीक है ये जैसी वैसी रहेगी एक्स का समाकलन, तो ये हो जाएगा एक्स की घात 2/2 माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। तो पहले इसका अवकलन करेंगे लॉग एक्स की घात 2 का, तो इसमें क्या करना होगा जब इसका अवकलन करेंगे तो लॉग एक्स को मुझे मानना है मनी मन में एक्स, एक्स की घात 2 पहले घात का करना है तो एक्स की घात 2, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है ये मैंने मनी मन में एक्स माना हुआ है लॉग एक्स, तो 2x पर ये एक्स है नहीं है इसलिए इसका दोबारा अवकलन होगा क्योंकि एक्स मैंने माना है, लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/x गुणा, तो ये पूरे का मैंने अवकलन कर दिया गुणा पहले दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो x का समाकलन हो जाएगा x की घात 2/2 इतने टोटल का समाकलन। एक्स स्क्वायर बटे 2 को लिख लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर बटे 2 कोष्टक में लॉग x की घात 2 माइनस 2 से ये 2 कट जाएगा, x से ये x कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगी x की 1 घात, तो इसको लिख लेंगे x को पहले और बाद में लिखेंगे लॉग x को, dx एक्स यहाँ पर आई है जैसे पहले माना है इसी प्रकार से दोबारा से मानेंगे, ये सेकंड और ये फर्स्ट, यानी जिसका अवकलन नहीं पता है वो सेकंड, जिसका पता है समाकलन, जिसका समाकलन नहीं पता है वो सेकंड और जिसका पता है वो फर्स्ट, उल्टा मान लिया उल्टा मान, जिसका समाकलन नहीं पता है वो फर्स्ट और जिसका पता है वो सेकंड। लॉग एक्स की घात 2 ये जैसा है वैसे उतार लिया बिल्कुल, पहला जैसा है वैसा ही रहेगा कोष्टक लगा लो क्योंकि माइनस का चिन्ह है और ये चीज दो पदों में खुलेगी, पहला जैसा है वैसा ही दूसरे का समाकलन यानी कि एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/x और दूसरे का समाकलन, तो एक्स का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 उतने टोटल का समाकलन यानी कि dx, यहाँ पर एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स की घात 2 माइनस कोष्टक एक्स स्क्वायर बटे 2 को लिख लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स माइनस ये 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर सिर्फ एक एक्स रह जाएगा डी एक्स, एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स की घात 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स माइनस 1/2 एक्स का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 कोष्टक बंद प्लस सी, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर है, एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स की घात 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स माइनस यही गुणा आते कर देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर और 2/2 से कर देंगे हो जाएगा 4 प्लस सी, यहाँ से आए क्या करना होगा माइनस के अंदर गुणा कर देना है अगर करना चाहें तो, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमें बताना है कॉट इनवर्स 1+x² - x का समाकलन। सबसे पहले में इसमें क्या करना होगा, जो कॉट है वो हमें बदलना है टेन में, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है सवाल में x के स्थान पर लिखा हुआ है इतना 1+x² - x, जब cot इनवर्स x बराबर है tan इनवर्स 1/x तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको x मान लेंगे मनी मन में cot इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/1+x² - x, ये dx जैसा है वैसा ही, इसको हम बदल लेंगे क्योंकि हमें इससे बनाना है फॉर्मूला, बदलेंगे कैसे, एक जैसा है वैसा ही यहाँ पे बड़ा कोष्टक बना लेंगे प्लस प्लस नहीं पहले लिखेंगे इसमें माइनस एक्स को उसके बाद लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर को,
बड़ा कोष्टक बंद डी एक्स, इनका हमने क्रम बदल लिया है, पहले लिखा है माइनस एक्स, बाद में लिख दिया प्लस के एक्स स्क्वायर। समाकलन टेन इनवर्स, यहां में हमें क्या करना होगा, यहां पर माइनस एक्स ले लेंगे कॉमन, जब माइनस एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा एक, माइनस से प्लस में भाग देंगे, माइनस एक्स जब यहां से बाहर आ गया तो एक एक्स बचेगा, चूंकि यहां पे एक्स की घात दो है, जो यहां पर एक है ऊपर, इसमें हमें क्या करना है, एक एक्स जोड़ देना है, एक एक्स घटा देना है, इसमें एक एक्स जोड़ दिया, एक एक्स दिया हमने घटा, टेन इनवर्स इसमें क्या करना होगा, इसमें भी इस प्रकार से करना है, इस प्रकार के दो फंक्शन हमें बनाने, दो फलन बनाने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो माइनस एक्स है वो हमें रखना है एक के साथ, यानी कि एक उसके बाद रखेंगे माइनस एक्स, बाद में रखेंगे एक्स को, वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स कोष्टक में वन माइनस एक्स कोष्टक बंद डी एक्स, यहां पर भी डी एक्स लिखना है, इनका हम क्रम बदल लेंगे, देखो इन दोनों को रख लेंगे कोष्टक में, इनका क्रम बदल लेंगे, x को लिख लेंगे इसमें पहले और इस कोष्टक को लिख लेंगे बाद में, यानी कि एक माइनस एक्स बटे एक माइनस एक्स और एक माइनस एक्स कोष्टक बंद डी एक्स। इसका एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, या फिर यहां पर x ना मान के हम ए बी भी मान सकते हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर होता है tan इनवर्स ए प्लस बी बटे एक माइनस ए इंटू बी। तो इस प्रकार से यहां पे लिखा हुआ है, इस प्रकार से यहां पे लिखा हुआ है, ए के स्थान पे लिखा हुआ है एक्स और बी के स्थान पे लिखा हुआ है ये, टेन वर्स ए प्लस बी बटे एक माइनस ए इंटू बी। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, तो ये फॉर्मूला बन रहा है टेन इनवर्स ए प्लस बी बटे ए एक माइनस ए इंटू बी। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से tan इनवर्स a यानी कि x प्लस tan इनवर्स b, b यानी कि एक माइनस एक्स बार डी एक्स। इसमें फिर दोबारा से वही फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो यही बनेगा, ठीक है, ये हमने लिख लिया है इस प्रकार से। अगर सवाल इस प्रकार से लिखा हुआ है उसको इस प्रकार से लिख लेंगे, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो उसको हम लिख लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इस प्रकार से लिख लिया है, समाकलन का अंदर गुणा कर देंगे, इधर से dx का गुणा कर देंगे, समाकलन tan इनवर्स x dx प्लस समाकलन tan इनवर्स 1 माइनस x dx। tan इनवर्स x का हमको समाकलन नहीं पता होता है तो इसलिए हम इसको फर्स्ट सेकंड के द्वारा करेंगे, तो यहाँ पे हमें गुणा में 1 मानना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे भी गुणा में 1 मानना पड़ेगा, तो 1 को तो मान लेंगे हम सेकंड और tan इनवर्स x को मान लेंगे फर्स्ट, क्योंकि जिसका हमको समाकलन नहीं पता होता है उसे हम फर्स्ट मानते हैं और दूसरे को मानते हैं सेकंड, ऐसे ही ये फर्स्ट हो गया तो जो बचा हुआ है वो अपने आप सेकंड हो जाएगा। समाकलन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट सेकंड में, पहला जैसा है वैसा ही, दूसरे वाले का समाकलन यानी एक का समाकलन हो जाएगा एक्स, माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, टेन वर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा एक बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर गुणा दूसरे का समाकलन यानी एक का हो जाएगा एक्स, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन यानी कि डी एक्स लिखना है बस, प्लस का चिन्ह। इसी प्रकार से यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, tan इनवर्स एक माइनस एक्स, पहला जैसा है वैसे ही, दूसरे का समाकलन x एक का हो जाएगा x, माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। तो देखिए इसका अवकलन हमें किस प्रकार से करना है, ये हमें पहले यहाँ पर ये मानना होगा, तो क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं अभी हम, तो इसको हम एक माइनस एक्स है इसको t मान लेते हैं, ठीक है, मान के करेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, तो आसान होगा, और माने अगर इसको यहाँ पे मान के नहीं करेंगे तो ये जो बनेगा यहाँ पर आगे जो कंडीशन बनेगी वो काफ़ी कठिन हो जाएगी, इससे अच्छा है कि इसी को हम यहाँ पे ही एक माइनस एक्स को t मान लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, माना एक माइनस एक्स बराबर t, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका तुमने कर लिया, ठीक है, इसका तो इस प्रकार से यहाँ तक हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक का हो जाएगा जीरो, x का हो जाएगा यहाँ पर वन और t का हो जाएगा dt टी बटे डी एक्स, जीरो लिखा है मतलब डी एक्स आ जाएगा भाग में से एक के गुणा में, तो हो जाएगा dx बराबर dt, माइनस का इधर से हट के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा dx बराबर माइनस के dt। तो हमें क्या करना है, एक माइनस x के स्थान पर t रख देना है और माइनस और dx के स्थान पर रख देंगे माइनस के dt, तो जो हमको यहाँ पर रख देना है
एक ये फर्स्ट सेकंड अभी नहीं मानते, यहां पर बाद में मानेंगे। तो टेन इनवर्स एक माइनस एक्स के स्थान पर मान लेंगे टी, और डीएक्स के स्थान पर मान लेंगे माइनस के डी टी। माइनस का ही आगे आ जाएगा और एक गुणा में मान लेते हैं, क्योंकि एक टुकड़ा में सबके छुपा होता है। जैसे कि हम पहले बताया टेन इनवर्स का अवकलन नहीं जानते, समाकलन नहीं जानते, तो ये फर्स्ट है और एक आपका सेकंड है। माइनस को यहाँ के बजाय मैं आगे लिख लूंगा, जो कि यहाँ पे लिख लेते हैं, बराबर एक्स को पहले लिख लेंगे इसमें, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस समाकलन का चिन्ह, एक्स का गुणा एक से हो जाएगा, फिर इसको ऐसे रहने देंगे, एक बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स डी एक्स माइनस यहां से आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस समाकलन का चिन्ह एक इंटू टेन वर्स टी डी टी। तो बिल्कुल इसी प्रकार से होगा, क्योंकि ये हमने अभी किया हुआ है, यहां पर टेन वर्स एक्स था, यहां पर टेन वर्स टी है। एक्स टेन वर्स एक्स माइनस तो इसको हमें मान लेना है एक प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मानना पड़ेगा यहां पर, तो एक प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टी मान लिया, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ वाई, माना एक प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक का हो जाएगा जीरो, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, और वाई का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। डी एक्स भाग में से आ जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा टू एक्स डी एक्स बराबर डी वाई। दो आ जाएगा गुणा में से भाग में, तो हो जाएगा एक्स डी एक्स बराबर डी वाई बटे दो। एक्स डी एक्स के स्थान पर रख देंगे डी वाई बटे दो, और एक प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर रख देंगे वाई। एक्स टेन वर्स एक्स ये जैसा है वैसा है, एक बटे इतने के स्थान पर रख देंगे वाई, और एक्स डी एक्स के स्थान पर रख देंगे डी वाई बटे दो। माइनस कोष्टक लगा लेंगे, इसका फर्स्ट सेकंड से करना है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, यानी कि फर्स्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। टेन वर्स टी, एक का समाकलन करेंगे टी के साथ एक कर रहे हैं, तो होगा टी माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो इसका अवकलन हो जाएगा एक एक बटे एक प्लस टी स्क्वायर गुणा, और दूसरे का हो जाएगा समाकलन, यानी एक का समाकलन हो जाएगा टी, और फिर टोटल का समाकलन। कोष्टक वन, एक्स टेन वर्स एक्स माइनस दो कोष्टक यहाँ से बाहर आ जाएगा, सॉरी दो यहाँ से बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है ये, एक बटे वाई बचेगा डी वाई माइनस टी को पहले लिख लेंगे टी टेन इनवर्स टी माइनस एक बटे एक प्लस टी स्क्वायर टी डी टी, ये जैसा है वैसा ही लिखेंगे अभी, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने इसका समाकलन किया है यहाँ पर, तो जो ये यहाँ पे समाकलन होगा वही सेम यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट रख दूंगा इसको यहाँ पर, एक्स टेन वर्स एक्स माइनस एक बटे दो, एक बटे वाई का हो जाएगा लॉग वाई, क्योंकि वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, माइनस टी जैसा है वैसा ही, टेन वर्स टी जैसा है वैसा ही, माइनस इसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे एक तो माइनस बढ़ाया, यहाँ पर ये माइनस आया है, यहाँ से आया माइनस, ये माइनस एक्स्ट्रा आया है। टेन वर्स टी एक माइनस टेन इनवर्स, और ये नहीं है ये है एक बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतने का जो समाकलन आया है वो आया है ये एक बटे दो लॉग वाई, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तब आप देख लेना क्या क्या रहा है यहाँ पर, एक बटे एक प्लस टी स्क्वायर टी डी टी, क्योंकि दोनों ही समाकलन बिल्कुल समान है, ये एक्स में तो ये किस में, ये टी में, ये अंतर है बस दोनों में। एक्स टेन वर्स एक्स जैसा है वैसा ही, एक बटे दो लॉग जैसा है वैसा ही, वाई की वैल्यू रख देंगे, वाई की मैंने माना था एक प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर रख देंगे एक प्लस एक्स स्क्वायर। कोष्टक वन, टी टेन वर्स टी माइनस, तो देखिए आपने इसका समाकलन किया है एक बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतने का समाकलन आया है एक बटे दो लॉग एक प्लस एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार से एक बटे एक प्लस टी स्क्वायर टी का समाकलन हो जाएगा एक बटे दो लॉग एक प्लस टी स्क्वायर प्लस सी, जिस प्रकार से इसका समाकलन ये आया है एक बटे दो लॉग एक प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही एक बटे एक प्लस टी स्क्वायर टी डी टी का आ जाएगा एक बटे दो लॉग एक प्लस टी स्क्वायर, बिल्कुल इसी प्रकार से।
यहाँ पे वैल्यू वापस कर देंगे क्योंकि ये एक्स के रूप में है समाकलन हमारा, ये यहाँ पे टी के रूप में फलन है, तो इसको वापस लौटा देंगे एक्स के रूप में बना देंगे, एक बटे दो लॉग एक प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस गुणा बाद में कर देना है, तो टी का मान रखना है यहाँ पर, टी हमने माना हुआ है एक माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, एक माइनस एक्स बराबर टेन इनवर्स, टी की जगह पर रख देंगे एक माइनस एक्स माइनस एक बटे दो लॉग, एक जैसे वैसे ही टी के स्थान पर रख देंगे एक माइनस एक्स का होल स्क्वायर मॉड कोष्टक वन प्लस सी, या तो आप इसमें माइनस का गुणा कर देंगे अंदर, या फिर इसको यहीं पर छोड़ देंगे जैसा है वैसा ही, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें हमसे पूछा गया है एक्स की घात दो ई की घात एक्स का समाकलन, इसमें हमें क्या करना होगा, जो ई की घात एक्स है उसको तो मान लेंगे हम फर्स्ट सेकंड, और एक्स स्क्वायर को मानेंगे फर्स्ट, देखिए यहाँ पे दोनों का समाकलन हम जानते हैं, तो फर्स्ट हमें उसको मानना है जो कि समाकलन करने पे अवकलन करने पे घटे, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो उसका होगा दो एक्स, यानी कि एक्स की घात दो है तो वो एक घात और कम हो जाएगी, इसको बोलते हैं घटना, ठीक है, कम होगा ये, तो इसलिए इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे हम सेकेंड, तो ये पहला जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि ये एक्स स्क्वायर ये जैसा है वैसा ही, ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स होगा, माइनस समाकलन का चिन्ह पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा दो एक्स, और इसका समाकलन यही होगा ई की घात एक्स, और डी एक्स टोटल का समाकलन करना है तो इसलिए यहाँ पर डी एक्स रख देंगे, एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स ये जैसा है वैसे ही कॉन्स्टेंट दो है बाहर आ जाएगा, एक्स ई की घात एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स माइनस दो, कोष्टक लगा लेंगे क्योंकि दोबारा से फिर से इसमें फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाना है, ये फर्स्ट रहेगा ये सेकंड रहेगा, तो ये पहला जैसा है वैसा ही दूसरे का समाकलन ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स, माइनस समाकलन का चिन्ह पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, एक्स का अवकलन हो जाएगा एक, ई की घात एक्स का समाकलन होगा ई की घात एक्स, फिर इस टोटल का समाकलन कर देंगे, कोष्टक वन एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स माइनस दो, कोष्टक एक्स ई की घात एक्स माइनस, ई की घात एक्स का गुणा एक से करेंगे ई की घात एक्स ही आएगा, तो ई की घात एक्स का हमें समाकलन करना है तो ये होगा ई की घात एक्स प्लस सी, या तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज माइनस दो से इसमें गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स माइनस दो से इसमें गुणा करेंगे माइनस के दो एक्स ई की घात एक्स, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे प्लस दो ई की घात एक्स प्लस के सी, ठीक है, या फिर यहाँ पर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा और भी कर सकते हैं, ई की घात एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा सब में से, ठीक, नहीं तो आप यहीं पर छोड़ देंगे या फिर यहाँ पर छोड़ देंगे, इतने भी आपको नंबर मिल जाएंगे जितने का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें हमसे पूछा गया है साइन एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का समाकलन, तो इसमें हमें क्या करना होगा, जैसे कि आपको पता है जो लॉग वाले होते हैं फलन उनका हमको समाकलन नहीं पता होता है, तो इसलिए उनको मान लेंगे फर्स्ट, यानी कि इसको पूरे को फर्स्ट मान लेंगे और साइन एक्स को मान लेंगे सेकंड, तो ये फर्स्ट है तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, sec x प्लस टेन एक्स इंटू पहला जैसा है वैसे ही दूसरे का समाकलन, साइन एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस के कोज एक्स, माइनस समाकलन का चिन्ह पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो पहले का अवकलन यानी कितने का अवकलन करना है, log इसको मानेंगे मनी मन में x, तो log x इसका हो जाएगा एक बटे एक्स, यानी कि sec x प्लस के टेन एक्स, पर ये x तो यानी माना हुआ है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा हमें दोबारा, तो sec x कोष्टक, ठीक है, कोष्टक शुरू करेंगे गुणांक चिन्ह लगाएंगे तभी कोष्टक के अंदर लिखना है, sec x का हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का समाकलन अवकलन होगा sec स्क्वायर x, तो पहले log का किया है इसको x मान के एक बटे एक्स इंटू, फिर इसका करेंगे हम sec x टेन एक्स, टेन एक्स का हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो इतने का हमने अवकलन कर दिया है दूसरे वाले का समाकलन, तो sin x का समाकलन होगा माइनस के cos x, अब हमें करना है टोटल का समाकलन, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे dx, log इसको पहले लिख लेंगे इसको हम माइनस के cos x log sec x प्लस टेन एक्स, माइनस की गुणा यहाँ पे हो जाएगी बाहर तो p हो जाएगा प्लस समाकलन एक बटे sec x प्लस टेन एक्स, sec x आ जाएगा यहाँ से कॉमन, टोटल में से यहाँ से बचेगा tan x और यहाँ बचेगा sec x, cos x माइनस यहाँ से बाहर चला गया प्लस हो गया है, dx जैसा है वैसा ही, दोनों ये समान है, इसमें tan x पहले लिखा हुआ है sec बाद में लिखा हुआ है,
इसमें सेक पहले लिखा है, टेन बाद में लिखा हुआ है, ये दोनों समान है, ये कट जाएंगे। माइनस के कोज एक्स लॉग सेक एक्स प्लस के टेन एक्स कोष्टक बंद प्लस सेक एक्स बचा है, यहाँ पर सेक एक्स का फॉर्मूला होता है कोज में एक बटे कोज एक्स, और यहाँ पे बचा हुआ है कोज एक्स और डी एक्स। कोज एक्स से कोज एक्स कट जाएगा। माइनस के कोज एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं एक बचा हुआ है तो एक का समाकलन हो जाएगा एक्स प्लस सी। एक्स को लिख देंगे पहले, इसको लिखेंगे बाद में, यानी कि एक्स माइनस कोज एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें हमसे पूछा गया है सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का समाकलन, तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है लगभग। तो इसको मान लेंगे हम फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड। ये पहला जैसा है वैसा ही रहेगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स गुणा पहला जैसा है वैसे ही दूसरे का समाकलन, तो सेक एक्स का समाकलन हो जाएगा, हाँ सेक एक्स का ये समाकलन हो जाएगा इसमें लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस समाकलन का चिन्ह पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो इसमें इसका जो अवकलन है वो अवकलन हो जाएगा इतने का करेंगे लॉग, इतने को मान लेंगे मनी मन में एक्स, ये हो जाएगा एक बटे लॉग एक्स का होगा एक बटे एक्स, एक्स यानी कि सेक एक्स प्लस के टेन एक्स, ये एक्स है नहीं, एक्स माना हुआ तो इसका अवकलन दोबारा करना पड़ेगा, तो सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स गुणा दूसरे वाले का समाकलन, इसका समाकलन हो जाएगा वही जो हमने थोड़ी देर पहले किया है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इसमें टोटल का समाकलन तो यहां पे लिख देंगे हम डी एक्स बराबर में आई। तो यहाँ पे मैंने मोड लगा हुआ है, मोड लगा दो या फिर यहाँ पे कोष्टक भी लिख सकते हैं हम, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स गुणा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इन दोनों में से सेक एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा टेन एक्स और यहाँ पर बचेगा सेक एक्स गुणा, यहाँ इसका समाकलन करना था, हमें समाकलन कर दिया है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स कोष्ठक में लिख देंगे और डी एक्स, ये दोनों समान है ये कट जाएंगे, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये दोनों समान है तो इनका हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि घात दो रख देंगे, ये दोनों बिल्कुल समान है तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस समाकलन का चिन्ह यहाँ पर बचेगा सेक एक्स और ये बचा हुआ है यहाँ पर लॉग कोष्ठक में सेक एक्स प्लस टेन एक्स और डी एक्स, ये आप देख सकते हैं ये सवाल ही है बिल्कुल, ये बिल्कुल समान यानी कि आई के बराबर, तो इतने के स्थान पर क्या रख देंगे आई रख देंगे हम, इधर तो आई चल ही रहा है, ये लॉग sec x प्लस टेन एक्स कोष्टक बन पूरे का होल स्क्वायर माइनस इतने के सर रख देंगे i, तो माइनस का i और यहाँ पे c जोड़ देंगे, माइनस का i जब इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, ये तो पहले से ही है, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर ये जैसा है वैसा ही रहेगा log sec x प्लस टेन एक्स की घात दो प्लस c, एक i और एक i हो जाएगा दो i बराबर लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स की घात दो प्लस सी, अब ये दो है दो आएगा गुणा में से भाग में, तो हो जाएगा ये आई बराबर एक बटे दो लॉग
sec x प्लस टेन एक्स की घात दो, सी के बटे में भी आएगा, ऐसे हो जाएगा सी बटे दो, एक बटे दो लॉग sec x प्लस टेन एक्स कोष्टक वन की घात दो प्लस सी बटे दो, ये कॉन्स्टेंट है तो इसको मैं सी डैश भी मान सकता हूँ, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप सी डैश मान लेंगे सबको, ठीक है, और इतने टोटल के स्थान पे सी रख देंगे, ठीक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है, या फिर यहाँ पर नहीं जोड़ते हैं, लास्ट में जाके जोड़ लेंगे, ठीक है, उस प्रकार से कर लेंगे, तब आपको आंसर मिल जाएगा अपना, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग एक्स का समाकलन, तो इसमें हमें क्या करना होगा, जो लॉग वाला है उसे मान लेंगे फर्स्ट, और जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है इसको मान लेंगे सेकंड, क्योंकि लॉग का हमको समाकलन नहीं पता है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये हो जाएगा सेकंड, ये यहाँ पर आई है, ये पहला जैसा है वैसा ही रहेगा, दूसरे वाले का समाकलन यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का समाकलन, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा एक्स की घात तीन बटे तीन प्लस, और एक का समाकलन हो जाएगा एक्स माइनस समाकलन का चिन्ह पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा एक बटे एक्स, और इतने का समाकलन करना है तो यही आएगा जो भी लिखा है एक्स की घात तीन बटे तीन प्लस एक्स, और टोटल का समाकलन, इसके लिए हमने यहाँ पे डी एक्स लिख दिया, बराबर लॉग लॉग एक्स तीन का गुणा एक्स से करेंगे तीन सबके बटे में, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस के तीन एक्स बटे तीन माइनस समाकलन का चिन्ह इसी प्रकार से यहाँ पर करना है एक बटे एक्स तीन का गुणा एक्स से करेंगे तीन सबके बटे में, तो ये हो जाएगा एक्स की घात तीन प्लस के तीन एक्स बटे तीन डी एक्स। तो ये कोष्टक को लिख लेंगे हम, पहले जो कोष्टक है ये एक्स की घात तीन प्लस के तीन एक्स बटे तीन लॉग एक्स माइनस समाकलन का चिन्ह अंश का गुणा अंश से हो जाएगा हर का गुणा हर से, तो एक का गुणा ऐसे करेंगे ये आएगा एक्स की घात तीन प्लस के तीन एक्स, और एक्स का गुणा तीन से करेंगे तो ये हो जाएगा तीन एक्स और डी एक्स, एक्स की घात तीन प्लस के तीन एक्स बटे तीन लॉग एक्स माइनस समाकलन का चिन्ह कोष्टक लगा देंगे तीन एक्स, एक्स क्यू के बटे में भी है तीन एक्स के बटे में, तो दोनों के बटे में लिख लेंगे अलग अलग से, यहाँ पर करेंगे जो तीन जो कॉन्स्टेंट है इसको लिख लेंगे बाहर की तरफ, यहाँ पर सिर्फ एक्स रह जाएगा यानी कि एक्स की घात तीन प्लस के तीन एक्स बटे एक्स, जो तीन कॉन्स्टेंट है मैंने इसको लिख लिया यहाँ से बाहर, यहाँ पर एक्स की घात तीन प्लस के तीन एक्स बटे तीन लॉग एक्स माइनस एक बटे तीन समाकलन का चिन्ह, जो x है वो एक्स क्यू के बटे में भी है तीन एक्स के बटे में भी, तो हम क्या करेंगे x को दोनों के बटे में अलग अलग लिख देंगे यानी कि एक्स क्यू बटे एक्स प्लस तीन एक्स बटे एक्स और डी एक्स, एक्स एक्स यहाँ पर कट जाएगा एक्स एक्स यहाँ पर कट जाएगा, ये एक्स की घात तीन तीन एक्स बटे तीन लॉग एक्स माइनस एक बटे तीन समाकलन का चिन्ह कोष्टक, यहाँ पर एक्स की घात एक है यहाँ पर एक्स की घात तीन है, तो यहाँ बचेगा एक्स की घात दो, ये x है ऊपर भी x था तो x बिल्कुल कट गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ तीन और dx, समाकलन का अंतर गुणा कर देंगे इधर से dx का गुणा हो जाएगा एक्स क्यू प्लस तीन एक्स बटे तीन लॉग एक्स माइनस एक बटे तीन, सिर्फ समाकलन का गुणा करना है इसमें, इधर से dx का गुणा होगा, समाकलन गुणा यहाँ पे करेंगे तो समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस समाकलन तीन तीन डी एक्स कोष्टक बंद, एक्स की घात तीन प्लस के तीन एक्स बटे तीन कोष्टक बंद लॉग एक्स माइनस एक बटे तीन, एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा एक्स की घात तीन बटे तीन प्लस तीन कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा या सिर्फ एक रह जाएगा, एक का समाकलन हो जाएगा एक्स प्लस सी, या तो इस तीन का इसमें गुणा कर देंगे अंदर, या फिर जो ये जैसा है वैसा ही रहने देंगे, या फिर एक तरीका ये भी है कि तीन का गुणा इस तीन से कर देंगे तीन सब के बटे में, एक्स क्यू प्लस के तीन एक्स बटे तीन लॉग एक्स माइनस एक बटे तीन, तीन का गुणा तीन से करेंगे और तीन सब के बटे में एक्स की घात तीन प्लस तीनामती है नौ एक्स बटे तीन प्लस सी, एक्स की घात तीन प्लस तीन बटे तीन लॉग एक्स माइनस अंश का गुणा अंश से करेंगे हर का गुणा हर से, यानी कि एक का गुणा ऐसे करेंगे यही आएगा, और कोष्टक में रखेंगे इसे एक्स की घात तीन प्लस के नौ एक्स, तीन का गुणा तीन से करेंगे हो जाएगा नौ प्लस सी, यहीं पर छोड़ देंगे, यही आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें हमसे पूछा गया है एक्स ई की घात एक्स बटे एक प्लस एक्स की घात दो का समाकलन। तो देखिए इसमें मैं क्या करना होगा, यहाँ पर x में एक जोड़ देंगे घटा देंगे। सबसे पहले आप इस सवाल के बारे में ये जान लीजिए कि ये जो सवाल लिखा हुआ है किताब में, यहाँ पे लिखा हुआ है एक प्लस एक्स की घात दो, इस प्रकार से लिखा हुआ है, जबकि इस प्रकार से नहीं है। ये जो दो घात है ये पूरे कोष्टक के ऊपर है इस प्रकार से यहाँ पर, तो ये गलती है सवाल में, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 7.6 उसका 17वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये x नहीं है, x की घात दो नहीं है, एक प्लस एक्स टोटल की घात दो है। तो पहले आप उसे सही करें उसके बाद सवाल को सॉल्व करें। तो मैंने आपको बताया इसमें x में क्या करना है, एक जोड़ना है एक घटाना है, तो हम यहाँ पे एक जोड़ देंगे एक घटा देंगे x के साथ, एक जोड़ देंगे पहले और ये कोष्टक में करेंगे, जो करेंगे हम कोष्टक के अंदर करेंगे, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, e की घात x ये बाहर रहेगा क्योंकि गुणा में, यहाँ पे आप इसे कोष्टक में मान सकते हैं, कोष्टक चाहे इस प्रकार का लगा लो चाहे इस प्रकार का लगा लेंगे हम। कोष्टक के अंदर क्या करना है, एक जोड़ देना है और एक घटा देना है, बटेगा जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। और dx ऐसे अब दो हिस्सों में तोड़ लेंगे हम, पहले इसको लिख लेंगे क्रम से, एक को पहले और x को लिख लेंगे बाद में, और इतने को छोटे कोष्टक में बंद कर लेंगे, माइनस का वन सबसे अंत में, बटे में जैसा है वैसा ही रहेगा, e की घात x dx, एक प्लस एक्स की घात दो, एक प्लस एक्स टोटल की घात जो दो है होल स्क्वायर है, ये आप देख सकते हैं इतने के बटे में भी और एक के बटे में भी है, ठीक है, इसमें दोनों बटे में अलग अलग लिखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम, e की घात x की गुणा कर देंगे इसमें, e की घात x की गुणा करेंगे यहाँ पर इस कोष्टक के साथ, यानी कि यहाँ पर करेंगे, ये हो जाएगा एक प्लस एक्स e की घात x माइनस e की घात x गुणा करेंगे एक से, तो e की घात x, ये गुणा हमने इसके अंदर नहीं करी, सिर्फ कोष्टक के बाहर ही रख दिए, एक की घात एक से कोष्टक के साथ इस प्रकार से, और एक के साथ करेंगे इस प्रकार से, ये बटे का जैसा है वैसा ही रहेगा, डी एक्स एक प्लस एक्स की घात दो, ये पूरे अंश के बटे में सबके में, तो हम क्या करेंगे इसको इसके बटे में अलग लिखेंगे और इसके बटे में अलग लिखेंगे इसे, एक प्लस एक्स ई की घात एक्स बटे एक प्लस एक्स की घात दो माइनस, ये इसके बटे में भी तो इसके बटे में भी लिखेंगे, e की घात x बटे एक प्लस एक्स की घात दो, कोष्टक बंद डी एक्स, ये दोनों समान है क्योंकि यहाँ पे एक घात है यहाँ पे दो घात है, तो ये एक घात से दो घात कट जाएगी, तो यहाँ पे नीचे एक घात बचेगी। समाकलन e की घात x बटे एक प्लस एक्स की घात एक, तो एक यहाँ पे लिखो या मत लिखो क्योंकि एक घात छिपी रहती है, माइनस e की घात x बटे एक प्लस एक्स की घात दो, कोष्टक बंद डी एक्स। अब हमें क्या करना होगा, समाकलन करना है तो समाकलन के अंदर गुणा कर देंगे, समाकलन गुणा इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, डी एक्स यहाँ से आ जाएगा अंदर की तरफ, तो समाकलन e की घात x बटे एक प्लस एक्स डी एक्स, समाकलन का गुणा इसके साथ भी करेंगे तो माइनस समाकलन का चिन्ह e की घात x बटे एक प्लस एक्स की घात दो डी एक्स, यहाँ पे नहीं है घात दो यहाँ पे, इन दोनों में से आपको एक का समाकलन करना है क्योंकि हमें दो फलन बन रहे हैं, एक फलन ये दूसरा फलन ये, एक का समाकलन करेंगे हम, समाकलन करेंगे इसमें कम वाले का, अब ज्यादा वाले का भी कर सकते हैं, फिलहाल हम यहाँ पे कर रहे हैं कम वाले का इसका। और आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के सवाल में जो आंसर आता है वो आएगा आपको जो कम घात होगी वही आपको आंसर मिलेगा, ये दोनों बिल्कुल समान है, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर दो घात है इसमें और यहाँ पर एक घात है, बाकी सब बिल्कुल सेम है बिल्कुल समान है। तो जो आंसर आएगा वो ये आएगा e की घात x बटे e की घात x बटे एक प्लस एक्स, ये आपको आंसर के रूप मिलेगा अंत में जाकर। तो आपको क्या करना होगा इस पर सवाल में, सिर्फ एक का ही समाकलन करना है, या तो इसका करो या इसका करो, मैं एक समाकलन कर रहा हूँ इतने का, तो e की घात x जैसा है वैसा ही, ये कोष्टक यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये कोष्टक पर जो घात है यहाँ पे वन है जो कि छिपी हुई है, तो ये घात हो जाएगी माइनस के, और डी एक्स जैसा है वैसा ही ऐसा ही यहाँ पे भी कर लेंगे, ये कोष्टक ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक प्लस एक्स की घात माइनस दो डी एक्स। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगा देना है कि किसको मतलब फर्स्ट सेकंड से समाकलन करना है इसका, तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने, तो फर्स्ट मान लेते हैं हम इसको एक प्लस एक्स की घात माइनस एक को, और इसको मान लेते हैं हम सेकंड। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया जब मैं इसका अवकलन करूँगा, फर्स्ट का अवकलन करना होता है तो अवकलन करने में क्या करते हैं हम घात घटाते हैं, तो माइनस एक को लिखूंगा तो माइनस के दो बन जाएगा, यानी कि इस प्रकार का ये बन जाएगा, इसलिए इसको मैंने फर्स्ट माना है इसको माना है सेकंड।
तो पहला जैसा है वैसा ही रहेगा, दूसरे का समाकलन e की घात x का समाकलन e की घात x माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो एक प्लस एक्स, इतने टोटल को हम मान लेंगे x मनी मन में, x की घात माइनस एक, तो माइनस एक नीचे आ जाएगा, इसमें से एक घात हो जाएगी कम, माइनस एक तो पहले से ही है, एक माइनस का और लिख दो, गुणा जो मैंने ये x माना है अंदर वाले का समाकलन होगा, तो एक का अवकलन हो जाएगा जीरो और x का हो जाएगा एक, गुणा तो पहले का अवकलन हमने कर दिया गुणा दूसरे का समाकलन, तो एक ही घात x का समाकलन होगा एक ही घात x, अब टोटल का समाकलन, तो यहाँ पर dx लगा देंगे। इसके बाद क्या करना है, ये जो लिखा हुआ ये भी लिखना है, समाकलन एक ही घात x, एक प्लस एक्स की घात माइनस दो dx बराबर एक प्लस एक्स की घात माइनस एक ई की घात एक्स माइनस, ये माइनस यहां से बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, समाकलन का चिन्ह एक प्लस एक्स की घात माइनस के दो, क्योंकि माइनस का एक माइनस के दो जुड़ के हो जाएंगे दो, जीरो प्लस एक जुड़ के हो जाएगा एक, तो एक गुणा में लिखो या मतलब, क्योंकि दोनों तरफ गुणा का चिन्ह है, तो कितना बचेगा यहां पर बचेगा ई की घात एक्स और ए डी एक्स माइनस समाकलन e की घात x, एक प्लस एक्स की घात माइनस दो डी एक्स, ये पहले से ही चल रहा है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल समान है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, यहाँ पर बचेगा इतना, तो ये जो है यहाँ पर एक प्लस एक्स की घात, एक प्लस एक्स होल घात माइनस एक, क्योंकि टोटल की घात है माइनस एक, ये कोष्ठक जैसे नीचे जाएगा तो ये घात हो जाएगी प्लस की, यानी कि एक प्लस एक्स की घात प्लस की एक प्लस, ये दोनों तो कट ही गए तो जीरो बचा, यहाँ पर पूरा समाकलन हो गया, इसलिए यहाँ पर सी जोड़ेंगे कॉन्स्टेंट के रूप में, एक ही घात एक्स बटे एक प्लस एक्स, एक यहाँ पर लिखो या मत लिखो क्योंकि एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, एक छुपा रहता है, प्लस के सी, यही आपका आंसर है।